सिख समाज ने शहर विधायक अरुण वोरा से मुलाकात कर अपनी मांगों को ज्ञापन के माध्यम से उन्हें सौंपा है। शनिवार को सिख समाज के लोग विधायक अरुण वोरा के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सिख समाज ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से सिख समाज के भवन निर्माण के लिए जमीन की मांग के साथ उसे बनवाने की अपील भी की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार करते हुए भवन निर्माण के लिए राशि देने की स्वीकृति दी, लेकिन वर्तमान में वह जमीन किसी और को आवंटित कर दी गई है, जिसे सिख समाज ने विधायक अरुण वोरा से पुनः मांग की है कि पूर्व में दी गई जमीन के स्थान पर अन्य किसी स्थान पर भवन निर्माण के लिए सिख समाज को जमीन आवंटित की जाए, जिससे सिख समाज वहां भवन का निर्माण कर सके। आवेदन लेकर पहुंचे लोगों की बात को महत्व देते हुए विधायक ने उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी मांगे अवश्य पूरी की जाएगी। द्वारा गुरु सिंह सभा के सभी सम्मानित पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। अभी कुछ दिनों पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने दुर्ग में भेंट मुलाकात की थी, सभी सामाजिक संगठनों से उन्होंने बातचीत की और जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है भवन के निर्माण की, जमीन के निर्माण की, उसके लिए उन्होंने घोषणाएं भी की थी। इसी तरीके से सिख समाज ने भी अपनी मांगें रखी। समाज के सभी प्रमुख लोग वहाँ पर उपस्थित थे, मैं भी उपस्थित था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जमीन उपलब्ध कराइए तो नवीन गुरुद्वारे के निर्माण के लिए हम 40 लाख रुपए देंगे, और वर्तमान में जो प्राचीन काल से गुरुद्वारा संचालित है वहाँ के लिए उन्होंने 20 लाख रुपए की बात कही है। अभी जो वर्तमान में आज इन्होंने मुलाकात की है, उस संदर्भ में इन्होंने कहा कि जहाँ इन्होंने एसडीएम ने जो ज़मीन दिखलाई थी वो किसी को आवंटित कर दी गई अन्य संस्था को, तो उसके स्थान पर नए जमीन का आवंटन किया जाना चाहिए। तो मैंने इनसे इन्हें आश्वस्त किया है कि मैं एसडीएम से और कलेक्टर से इस संदर्भ में चर्चा करूंगा ताकि ये समस्या का हल हो सके, जमीन की आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण हो सके और 40 लाख रुपए जो मुख्यमंत्री जी ने निर्माण के लिए घोषणा की वो राशि समाज को प्राप्त हो सके। पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो जब वह दुर्ग में आए थे तो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग एवं सिख समाज ने उनसे भेंट मुलाकात कार्यक्रम में उनसे भेंट की थी और वहाँ पे हमारे आदरणीय विधायक श्री अरुण वोरा जी भी वहाँ पे थे। उनके सामने हमने अपनी एक मांग रखी थी कि हमें सिख समाज के लिए एक भवन के लिए एक ज़मीन दी जाए, जिसका हमने पेपर्स भी उनके पास दिए थे और साथ ही वहाँ पे भवन के निर्माण के लिए भी एक राशि 40 लाख की हमने डिमांड की थी, जिनको उन्होंने उसी वक्त अप्रूव भी कर दिया था, लेकिन वहाँ पर पता चला कि वह ज़मीन किसी और को आवंटित कर दी गई है। तो उस समस्या को लेके हम विधायक महोदय के पास आज आप हमारा पूरा समाज आया है और ये अनुरोध लेके आया है कि हमारे को उसकी जगह में कोई भी गुरुद्वारा के निर्माण के लिए, कोई भवन निर्माण के लिए एक सिख समाज को एक नई ज़मीन दी जाए। उस मांग के लिए आज हम विधायक महोदय जी के पास यहाँ पे आए हैं और साथ ही में जो हमारा जो गुरुद्वारा जो आज बहुत सालों से वहाँ पर है दुर्ग में है, वहाँ के लिए CM साहब ने 20 लाख रुपये की राशि अप्रूव की थी, उस राशि को भी जल्द से जल्द देने के लिए एक मांग हम सब यहाँ लेके आए थे विधायक महोदय के पास और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उस बात को सुना और इमीडिएट बोला है कि SDM साहब से बात करके और कलेक्टर साहब से बात करके इसका समाधान निकाल के इसको आगे भेजेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।